नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजे गए 19 नामों को वापस लौटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुल 21 नाम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजे थे। इन 19 नामों में से 10 नाम ऐसे थे जिन्हें कॉलेजियम ने फिर से केंद्र सरकार के पास भेजा था, जबकि 9 नाम पहली सिफारिश के बाद पेंडिंग थे। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को ही ट्वीट कर बताया था कि केंद्र सरकार ने 2 नामों को स्वीकृत प्रदान कर दी है। ये 2 नाम जस्टिस संतोष गोविंद चपलगांवकर और मिलिंद मनोहर सथाए हैं। इन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की सिफारिश कॉलेजियम ने की थी। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 28 नवंबर को न्यायिक नियुक्तियों के मामले में अदालत में हुई सुनवाई से कुछ घंटे पहले ही केंद्र सरकार ने इन नामों को वापस लौटाया था। बता दें, परंपरागत रूप से अगर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम किसी नाम को दोबारा भेजता है तो सरकार कॉलेजियम की सिफारिश को स्वीकार करने के लिए बाध्य होती है। हालांकि मोदी सरकार ने दूसरी बार नामों की सिफारिश के बाद भी नामों को वापस लौटा दिया है। एनडीटीवी के अधिग्रहण के लिए अडानी समूह के ओपन ऑफर के बीच प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड से इस्तीफा दे दिया है। ये कंपनी एनडीटीवी की प्रमोटर ग्रुप व्हीकल है। इससे एक दिन पहले RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपने इक्विटी शेयर की जानकारी दी थी, जिससे 99.5% इक्विटी शेयर विश्व प्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के पास हैं। ये वो कंपनी है जिसका अधिग्रहण अडानी ग्रुप की मीडिया कंपनी AMG मीडिया नेटवर्क्स ने किया है। इसके साथ ही अडानी ग्रुप के पास अब NDTV की 29.18% हिस्सेदारी है। अडानी ग्रुप 26% अतिरिक्त हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर लेकर आया है। इसके तहत कंपनी ने NDTV के 1,67,00,000 शेयर खरीदने की पहल की है। ओपन ऑफर की आखिरी तारीख 5 दिसंबर है। NDTV ने मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को लिखी चिट्ठी में बताया था कि NDTV के प्रमोटर ग्रुप RRPR ने सूचित किया है कि 29 नवंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में तय किया गया है कि सुदीप्ता भट्टाचार्य, संजय पुगलिया और सेंथिल चेंगलवारायन तत्काल प्रभाव से RRPRH के बोर्ड में नए निदेशक होंगे और डॉक्टर प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने RRPRH के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सियासी संकट को सुलझाने के लिए कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल जब मंगलवार को जयपुर पहुंचे तो उन्होंने बयानबाजी करने वाले नेताओं के साथ ही मंत्रियों को भी सख्त चेतावनी दी। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारत जोड़ यात्रा की समीक्षा बैठक के दौरान KC वेणुगोपाल ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि पार्टी नेताओं की ओर से किसी भी तरह की और बयानबाजी अब नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी मंत्री इस तरह की बयानबाजी करते हुए पाया गया तो उसे कैबिनेट से हटाया जा सकता है। KC वेणुगोपाल ने कहा, ये बात सभी के लिए लागू होगी। KC वेणुगोपाल 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करने जा रही भारत जोड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए राज्य के दौरे पर पहुंचे थे। बैठक के बाद उन्होंने सचिन पायलट और गहलोत के साथ मीडिया को भी संबोधित किया और संदेश दिया कि राजस्थान कांग्रेस एकजुट है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो किसी भी COVID-19 वैक्सीन से संबंधित मौत के मुआवजे के लिए जिम्मेदार नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हलफनामा दायर कर ये बात कही। सरकार ने कहा है, अगर किसी को लगता है कि COVID-19 वैक्सीन के कारण किसी की मौत हुई है तो मुआवजे के लिए एक सिविल कोर्ट से संपर्क कर सकता है। इसने ये भी साफ कहा है कि इस तरह के दावों का हर केस के आधार पर फैसला करना होगा। केंद्र ने इस बात पर भी जोर दिया है कि कोरोना का टीका लगवाने की कोई कानूनी बाध्यता तो है नहीं। केंद्र ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका के जवाब में दाखिल किया। लाइवलॉ की रिपोर्ट के अनुसार कोविशील्ड टीके के प्रतिकूल प्रभाव के कारण मरने वाली 2 लड़कियों के माता पिता ने याचिका दायर की है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र ने कहा है, इसके लिए कुछ ठोस नहीं है कि याचिकाकर्ताओं के बच्चों की दुखद मौत के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराया जाए। द कश्मीर फाइल्स को भद्दी प्रोपेगेंडा फिल्म बताने वाले नदाब लपिड ने अब कहा है कि जब उन्होंने द कश्मीर फाइल्स देखी तो दंग रह गए कि किस तरीके से इस फिल्म में सरकार की नीतियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है और अब सब कुछ एक तरफा है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में मूल रूप से कश्मीर में भारत सरकार की नीतियों को सही ठहराया गया है और तमाम फांसीवादी बातें भी हैं। इजरायली फिल्म मेकर लपिड ने कहा, उन्हें आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले कुछ सालों में इजरायल में भी द कश्मीर फाइल्स जैसी कोई फिल्म बन जाए। नदाब ने कहा कि ऐसे देशों में जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरा है, जो देश तेजी से अपने मन की बात कहने या सच बोलने की क्षमता खो रहे हैं, वहां किसी को तो बोलने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ बोलना आसान नहीं था और वो इस बारे में आशंकित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फिलिस्तीन के लिए भारत के अटूट समर्थन की प्रतिबद्धता को दोहराया। बता दें, संयुक्त राष्ट्र की पहल पर फिलिस्तीनी लोगों के लिए हर साल 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन के मौके पर PM मोदी ने बयान जारी कर कहा है
कि मैं फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत के अटूट समर्थन को दोहराता हूँ। भारत और फिलिस्तीन के दोस्ताना लोगों के साझा ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत और फिलिस्तीन के दोस्त लोगों के बीच रिश्तों की जड़ें साझा इतिहास से जुड़ी हैं। हमने हमेशा सम्मान और आत्मनिर्भर तरीके से आर्थिक और सामाजिक विकास करने में फिलिस्तीनी लोगों का साथ दिया है। हमें उम्मीद है कि फिलिस्तीन और इसराइल के बीच मसले सुलझाने और एक समावेशी समाधान के लिए सीधी बातचीत शुरू होगी। चीन ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वो भारत के साथ उसके संबंधों में दखलंदाजी ना करे। पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी कि वो भारत के साथ उसके संबंधों में हस्तक्षेप ना करे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भारत के साथ अपने गतिरोध के दौरान चीनी अधिकारियों ने संकट की गंभीरता को कम करने की कोशिश की, सीमा की स्थिरता को बनाए रखने और भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों के अन्य क्षेत्रों को नुकसान न पहुंचाने से गतिरोध को रोकने के लिए बीजिंग ने जोर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन भारत को अमेरिका के साथ अधिक निकटता बनाने से रोकने के लिए सीमा तनाव को रोकना चाहता है। चीनी अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वो भारत के साथ चीन के संबंधों में दखलंदाजी न करें। न्यूजीलैंड के साथ खेले जा रहे तीसरे मैच में भी बारिश ने खलल डाल दिया है। बारिश होने से पहले भारत के बल्लेबाजों ने निराश किया और पूरी टीम 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। पूरी टीम 48वें ओवर में ही 219 रनों पर सिमट गई, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने एक बार फिर से अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है और 18 ओवर में 104 रन बनाकर एक ही विकेट खोया है। बता दें, सीरीज का पहला मैच भारत हार चुका है, दूसरा मैच बारिश में धुल चुका है और तीसरा मैच जारी है। पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने पहुंची इंग्लैंड की टीम के 14 खिलाड़ी और सदस्य बीमार हो गए हैं। इनमें टीम के कप्तान बेन स्टोक्स भी शामिल हैं। कहा जा रहा है ये सभी सदस्य एक वायरस की वजह से बीमार पड़े हैं। हालांकि वायरस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बता दें, इंग्लैंड की टीम 17 सालों के बाद पाकिस्तान में कोई टेस्ट सीरीज खेलने पहुंची है और कल से ही टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।